एक बादशाह था, बहुत नेक और इंसाफ पसंद। अल्लाह ताला ने उसको बहुत दौलत और शोहरत अता की थी। वो रात को अल्लाह ताला की इबादत करता और दिन में अपनी अवाम की हर एक जरूरत मंद की जरूरत पूरी करता। एक दिन बादशाह शिकार करने गया, जंगल में उसको एक हिरन भागता हुआ नजर आया। बादशाह ने हिरन को भागता देख अपने घोड़े की लगाम खींची और हिरन के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। काफी दूर जाने के बाद बादशाह रोका, उसने देखा उसके साथ कोई नहीं है। बादशाह ने सोचा, जब तक सब लोग नहीं आ जाते आराम कर लेता हूँ। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। बादशाह को रास्ता मालूम ना था, वो इधर उधर भटक रहा था। अचानक बादशाह को एक झोपड़ी दिखाई दी। बादशाह ने जाकर देखा तो एक गरीब आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस जंगल में तो मेरे सिवा कोई नहीं रहता। बादशाह ने कहा, मैं एक सल्तनत का बादशाह हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, जल्द ही मेरे सिपाही मुझे ढूंढ लेंगे, मैं चला जाऊंगा। उस आदमी ने ये सुना तो उसने बादशाह को बैठाया, खूब खिलाया पिलाया, पूरी रात अच्छी तरह बादशाह की खिदमत की। सुबह हुई तो बादशाह ने देखा उसके सिपाही भी आ गए हैं। बादशाह उठा, मुंह हाथ धोया और घोड़े पर जाकर बैठ गया। बादशाह ने उस गरीब आदमी को बुलाया और कहा, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, ये लो ये मेरी अंगूठी है, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ये अंगूठी लेकर मेरे महल आ जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ये कहकर बादशाह अपने महल चला गया। कुछ साल बीत गए। एक दिन बहुत तेज तूफान आया, उस तूफान में उस गरीब आदमी की झोपड़ी उड़ गई। अब उसके पास रहने को कोई जगह न थी। उसकी नज़र अपने हाथ की अंगूठी पर पड़ी तो उसे बादशाह का ख्याल आया। उसने सोचा, बादशाह से मदद मांगता हूँ, अगर बादशाह ने कुछ पैसे दे दिए तो अपना घर बना लूंगा। एक दिन वो महल आया, उसने अंगूठी दिखाई तो एक सिपाही ने अंगूठी पहचान ली, उस गरीब आदमी को महल के अंदर ले गया। सिपाही ने कहा, यह बादशाह का कमरा है, बादशाह सलामत अभी इबादत कर रहे हैं, जब इबादत खत्म हो जाए तो आप मिल लेना। वो थोड़ी देर खड़ा रहा, उसको महसूस हुआ अंदर कोई रो रो कर किसी से फरियाद कर रहा है, कुछ मांग रहा है। उस गरीब आदमी ने सिपाही से पूछा, ये तो खुद बादशाह है, ये किससे मांग कर रहा है। सिपाही ने बताया, बादशाह अपने रब यानी अल्लाह की हर रात इबादत करता है, जो मांगता है अल्लाह इसको अता फरमा देता है। ये सुनते ही गरीब आदमी जाने लगता है तो सिपाही पूछता है, क्या हुआ, कहां जा रहे हो, तुम तो बादशाह से इनाम लेने आए थे। गरीब आदमी बोला, अब मुझे बादशाह से कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी बोला, जब देने वाली जात अल्लाह की है तो मैं बादशाह से क्यों मांगूं, मैं भी उसी अल्लाह से मांगूंगा जिससे बादशाह मांगता है, और जो रब यानी अल्लाह बादशाह जैसे मालदार को देता है तो मुझ गरीब को भी जरूर अता करेगा। ये कहकर चला गया। जब वो आदमी घर पहुंचा तो उसने सच्चे दिल से और पूरे यकीन के साथ अपने रब यानी अल्लाह से जो कुछ भी मांगा अल्लाह ने उसको अता फरमाया और वो एक अल्लाह पर ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, आप भी एक अल्लाह पर यकीन करो, अल्लाह आपको भी जो मांगोगे अता फरमाएगा इंशा अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।